तभी मेरे मुंह से निकला था कि अरे नाउ देव गॉट माई रियल एक्स बट वो फिर ऐसे लोगों ने परसीव कर लिया कि हैं? ये लोग सही में है की नहीं भाई एक्स नहीं है बट आप शो के हिसाब से देखो कि अब मेरे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं शो नहीं होता तो शायद सिर्फ दोस्त रह जाते बट द शो रिक्वायर्ड अस टू यू नो एक्सप्लोर दैट साइड ऑफ इच अदर एंड देन वी रियलाइज की नहीं यार ये दोस्ती तो है पर यहाँ प्यार भी है अरबाज की नाक टूटी थी वो भाई इतने टाइम तो मतलब रिकवर करके वापस आए और आते ही अगर तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा कोई कनेक्शन है तो वो ऑब्वियसली फेक है वो कितना मतलब वो उसको भी पता है कि फेक है मैं तो हंसी मजाक करता हूँ जोक्स मारता हूँ या कुछ लॉजिकल पॉइंट रखता हूँ तो मेरे को वैसे कमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं बट ऑब्वियसली अगर कोई फालतू की गालियाँ लिखी ये वो वो मेरे को अफेक्ट नहीं करता बट मैं मेक श्योर करता हूं कि मैं उनको डिलीट कर दूं हेलो एवरीवन वेलकम टू ई टाइम्स टीवी आई एम आराधना एंड टुडे वी हैव विद अस वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्लिट्सविला 15 कंटेस्टेंट्स हु इज आल्सो अ वेरी पॉपुलर यूट्यूबर एंड द सिग्मा टर्न्ड लवर बॉय ओ आराधना थैंक यू फॉर हैविंग मी थैंक यू सो मच हाउ आर यू डूइंग आई एम गुड हाउ अमेजिंग आप बताओ आप मेडिकल रीजंस की वजह से एलिमिनेट हो गए फैंस वुड नॉट बी हैप्पी एट ऑल आपका डू यू थिंक यू शुड हैव स्टेड इन द शो फॉर longer आई फील लाइक देखो जो मेडिकल प्रॉब्लम है दैट्स बीन देयर फॉर ऑलमोस्ट 6 टू 7 इयर्स ऑफ माय लाइफ एंड स्विट्सविला में कम से कम सेवंथ या 8 डे से आई वाज ऑलरेडी सफरिंग थ्रू ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग एंड ये जो प्रॉब्लम है वो उसको ट्रीट ऐसे तो नहीं किया जा सकता इट इज़ कॉल्ड एलर्जिक क्राइनाइटिस एंड अब तक मुझे यही सोल्यूशन है कि आप बस एलर्जी से दूर रहो एंड वो पॉसिबल नहीं क्योंकि हम जो भी टास्क पे जा रहे हैं जहाँ लोकेशंस पे जा रहे हैं वहाँ डस्ट पोल्यूशन या हम धूप में खड़े हैं रात को डोम में हम ठंड में खड़े हैं तो उस सबसे ये ट्रिगर मुझे कम से कम मतलब पाँचवें छठे दिन से ही स्टार्ट हो गया था एंड गेटिंग वर्स बट खनक के जाने के बाद आई फील लाइक कि यू नो हम लोग दोनों अगर बीमार पड़ते थे तो वी यूज टू टेक केयर ऑफ ईच अदर तो आई फील लाइक उसके जाने के बाद कोई था नहीं एंड उसका एबसेंस है मुझे शायद और यू नो मेंटली भी जो पहले टफनेस थी वो कम हो गई या वो चली गई तो आई नो लाइक लोग डिसअपॉइंटेड होंगे बट अगर आप सही से सोचो तो अगर मेरा इतना रियल कनेक्शन है खनक के साथ कोई मुझे उस शो पे किसी और के साथ कनेक्शन बनाते हुए क्यों देखना चाहेगा तो मेरे हिसाब से अगर मुझे और रहना था शो पे तो इट वुड ओनली मेक सेंस अगर खनक भी होती शो पे एंड uh, मेरे हिसाब से ठीक है अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो मुझे उसको पहले एड्रेस करना था एंड uh, लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे कि आपने साथ में क्यों नहीं छोड़ दिया फिर शो खनक के साथ ही चले जाते इतना रियल है आपका तो तो वो तो खनक और मेरे बीच में उतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर हम बाहर जाएंगे तो भी रियल ही होगा जो भी एंड खनक के जाने के बाद अगर मैं कोई कनेक्शन फॉर्म भी करता तो वो काफ़ी एक फ्रेंडली वाला होता एंड वो लोगों को क्यों ही देखना है लोग तो यही चाहते हैं कि यार खनक के साथ आदित्य को देखे लव शो है कपल साथ में देखे मैं अकेला क्या ही करता तो आई फील लाइक कि ठीक है इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एंड जो हुआ सही हुआ टॉकिंग अबाउट खनक आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप शो पे आओगे एंड यू विल फॉर्म सच अ जेन्युइन कनेक्शन और मे बी फाइंड लव इन द शो ओह बिल्कुल भी नहीं मतलब ऐसा तो मैं सोच के नहीं आया था मुझे लगता था कि चलो स्प्रिट्स विल में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं फर्स्ट टाइम जा भी रहा हूँ और फर्स्ट टाइम देख भी रहा हूँ तो मुझे पता भी नहीं है कि लोग कैसे आते हैं वहाँ पे क्या करते हैं पर वही है कि बाहर वालों को बहुत यही पर्सपेक्टिव रहता है कि शो पे जो होगा वो रियल नहीं होगा यू you नो know, क्योंकि बाहर आते ही सब चीज़ें टूटने लग जाती है ख़राब हो जाती है लोग अलग हो जाते हैं या लोग पहले से ही सोच के आते हैं कि जो भी करना है शो के लिए करना है मैं काफ़ी ओपन माइंड से गया था एंड मैं खुद को काफ़ी लकी कंसिडर करता हूँ कि uh, मुझे वहाँ पे खनक मिली एंड हमारा एक जेनुइन कनेक्शन बना जेनुइन पहले फ्रेंडशिप बनी एंड फिर बिकॉज द मे बी हम शायद शो नहीं होता तो शायद सिर्फ दोस्त रह जाते बट द शो रिक्वायर्ड अस टू यू नो एक्सप्लोर दैट साइड ऑफ ईच अदर एंड देन वी रियलाइज कि नहीं यार ये दोस्ती तो है पर यहाँ प्यार भी है एंड इट वॉज ऑल आई फील इट वॉज़ वेरी लक्की

लॉन्ग डिस्टेंस बट विथ खाना इज डेफिनेटली वर्थ इट बिकॉज दोनों साइड से हम काफ़ी एफर्ट लेते हैं हम लोग रात को मूवीज देखते हैं वी एक्चुअली वैन वी गो टू स्लीप वी गो टू स्लीप एट द सेम टाइम भले उसको पहले नींद आ जाती है हम कैमरा ऑन रख के रात को ऐसी हो जाते हैं फेस टाइम पर तो ऐसा लगता नहीं कि ज़्यादा यू नो डिस्टेंस है या दूर है um, वही प्ले वी प्ले गेम्स वी वॉच मूवीज and it's very chill and वैसे तो वही एक कुछ टाइम अपार्ट होता है तो हम दोनों अपने-अपने काम पे भी फोकस करते हैं फिर ऐसा हो ही जाता है कि मार्च में वो मुंबई आई अप्रैल में मैं दुबई गया मई में, में वो मुंबई आई अब जून में मैं फिर से दुबई जाऊंगा तो हम वैसे ना दोनों साइड से एफर्ट्स लेते हैं एंड वी मेक इट वर्क अदित सो व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ समथिंग सो बिग लाइक स्प्लिटविला तो ट्रोलिंग भी होती है हेट कमेंट्स भी मिलते हैं तो are you going through anything like that hate comments or trolling because when I was talking to Khanak she told me ki she is uh, dealing with hate comments and trolling a lot and it is sort of affecting her so do you face that as well देखो मेरे को बहुत time हो गया अभी internet पे तो मुझे पता है कि this is all a part of the internet people sometimes will love you they will give you too much love sometimes people will hate you अब मैं कैसा है ना मेरे को मैं अपने mood को तो affect करने नहीं देता यू नो आई ट्राई कि अगर कोई हेट आ रही है तो अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है अगर कोई मुझे जेन्यनली बोल रहा है कि देखो मेरे आपसे ये ये एक्सपेक्टेशन थे यू डिट फुलफिल इट या कोई जोक मार रहा है ये सब मुझे तो बहुत मजा आता है ठीक है कोई जोक मार रहा है मैं रिप्लाई में और एक जोक मार देता हूँ बहुत मजा आता है बट अगर यू uh, नो you know, ऐसी वाली हेट है ना जहाँ सिर्फ तुम गालियाँ बक रहे हो तुम किसी को uh, कुछ भी बोल रहे हो पीपल आर यू uh, नो you know, मैं तो बोल भी नहीं सकता वो सब क्या है एंड लोग मेरे को ना यही बोल के आ, कभी कभी ये कहते हैं कि आप तो लोगों को रोस्ट करते हो तो आपको तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मैं रोस्ट में किसी को गाली थोड़ी बकता हूँ मैं तो हंसी मजाक करता हूँ जोक्स मारता हूँ या कुछ लॉजिकल पॉइंट रखता हूँ तो मेरे को वैसे कॉमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं बट ऑब्वियसली अगर कोई फालतू की गालियां लिखी ये वो वो मेरे को अफेक्ट नहीं करता बट मैं मेक श्योर sure करता हूँ कि मैं उनको डिलीट कर दू मेरा क्योंकि अकाउंट मेरा अकाउंट है ठीक है तो लोगों का यही डिफेंस होता है कि भाई आप तो रोस्टर हो आपको क्या प्रॉब्लम है भाई अगर कोई गाली देता है तो मैं सीधा डिलीट कर देता हूँ पर मैं बहुत ऐसा माइंडलेसली करता हूँ मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता खनक को पहली बार एक्सपीरियंस हो रहा है तो या आई नो दैट शी इज गोइंग थ्रू इट एंड तो मैं उसके साथ हूँ उसमें आई एम ऑलवेज देयर फॉर हर मैं उसका ध्यान रखता हूँ कभी कभी uh, मैं भी उसके कमेंट डिलीट कर देता हूँ कभी वो ऐसी बैठी है मुझे दे देती है फोन ले कर दे मैंने हटा दिए तो और मैं कभी कभी मैं तो बहुत नीचू किसी ने चार कमेंट लिखे हैं मैं बीच के दो डिलीट कर देता हूँ ताकि उसके फोर्थ फर्स्ट और फोर्थ कमेंट का कोई सेंस ही ना बने तो मैं तो इंजॉय करता हूँ इस चीज़ को एंड आई फील लाइक ये पार्ट ऑफ द इंटरनेट है लेकिन मैं तो हमेशा बोलूंगा यार किसी को ऐसी इतनी बेबे गालिया तो मत बको यार आई फील दैट इट्स वेरी लो ऑफ पीपल टू डू दैट एंड वो मैंने के बाद एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा भी होता है

तो मेरे को नहीं पता यार वो शो के नरेटिव को फिट करने के लिए हुआ था या क्या हुआ था क्योंकि जितना मैंने उन्नति से बात किया था उसको भी पता नहीं था कि वो शो पहले मेरे को शुरू में यही लगा था कि उसको ये बोल के लाया है कि आई एम या ऐसा कुछ बट फिर उसने मेरे को बोला कि उसको भी नहीं पता था सो आई डोंट नो कि उसका क्या सेंस था क्योंकि उसमें से वो बस कंटेंट ही था कुछ सच तो था नहीं कि हम एक्चुअली एक्स है कुछ पूरा शो में लिखा है हमारे नाम के नीचे

कैसे यू uh, नो you know, हम किसी क्योंकि सब uh, पहले हमें सपोर्ट कर रहे थे ऑब्वियसली क्योंकि देर लाइक like कि आप सिर्फ यू नो यू वी रियली सी यू एज अ जेन्युन कपल बट जेन्युन होना वाज नॉट इनफ टू गो फॉर आइडियल मैच तो बुरा तो बहुत लगा उस बात का बट फिर आई वाज लाइक कि ठीक है यार क्या फर्क पड़ता है हम दोनों वी हैव बोथ यू नो फाउंड ईच अदर एंड आई नो शो के साइड से तो खराब ही है कि क्योंकि अगर तुम्हें जीतना है तो आइडियल मैच होना इंपॉर्टेंट है बट इट वॉज लॉजिकल कि साथ में जो जिनको हमारे साथ ऑपोजिट जाना था वो अरबाज और नायरा थे नायरा के सारे दोस्त एग्जाइल से थे जो ऑब्वियसली उन्हीं को वोट करेंगे हमें तो नहीं करेंगे एंड अरबाज और मेरे बीच में या अरबाज खनक और हमारे बीच में तो ऑब्वियसली डिफरेंस यू नो स्प्लिट्स वला में जो पहले से थे उनके बीच में ही वोट बट गए तो इट वॉज़ क्लोज आई थिंक इट वॉज़ एट एंड सिक्स वोट्स तो नसीब ख़राब था क्या कर सकते हैं

Uh, और जो मैंने बताई थी ये दोनों काफी यू नो सिमिलर थे क्योंकि जो सेटअप था पूरा वो एकदम जो खनक को जैसा पसंद है वैसा था बट शी लाइक्स बीच मोर एंड मेरा जो था वो पूरा जो माउंटेन्स एंड जो पूरी वाइब थी वो मेरे माइंड की थी बट uh, oh yeah, like so like वो आई लाइक माउंटेन्स मोर तो इट वाज लाइक अ मिक्स की सेटअप वो बीच वाला है बट इट वाज ऑन अ माउंटेज यू नो बहुत ठंड थी वहाँ पे बट वी वर बहुत क्लोज टू इच अदर एंड तभी पहली बार ऐसा मतलब इवन दो इट वाज शो एंड हमको हमारे पे इतने सारे कैमराज थे हम जो भी बोल रहे थे एक दूसरे को ना वो अंदर से ही आ रहा था लोग मुझे पूछ रहे थे कि यार ये सारे जो डायलॉग है तुम्हारे जो रोमांटिक वाले ये सब तुम लिख के लाए थे हाँ एंड आम लाइक कि नहीं भाई ये सब मेरे अंदर से जेन्युनली निकल रहा था एंड ये किसी ने नहीं देखा है मेरे को इंटरनेट पे ऐसा बात करते हुए बट आम लाइक कि भाई अब क्या है जो भी आई केम देर ओपन माइंड

बिकॉज आई एक्चुअली लव द होल कॉन्प्ट ऑफ हैविंग कैमराज ट्वेंटी फोर सेवन ऑन यू बिकॉज वहाँ फिर कोई प्लानिंग प्लॉटिंग पीठ पीछे कोई यू नो प्रता तुम पे पूरा टाइम कैमराज है अगर तुम जो बोल रहे हो वो पूरा टाइम रियल दिख रहा है अगर मेरा ह्यूमर कहीं ना कहीं शो पे नहीं दिखा है इट्स बिकॉज की एम टी वी स्पीट्स पे लव तो दिख ही रहा था बट लोगों के फाइट्स एक्सेस ड्रामा वो सब भी बहुत था तो कहीं ना कहीं मेरा ह्यूमरस साइड लोगों को नहीं दिखाया जो लोगों ने बहुत एक्सपेक्ट किया था ऑब्वियसली कहीं 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 है जो मैंने अपने रील्स पे डाले हैं कहीं कहीं यू नो शो पे पीपल हैव नोटिस कि यार ये अकेला एक फनी बंदा है बाकी सब झगड़ा कर रहे हैं इसका अलग ही रिएक्शन होता है ये अपने जोक मारता है ये कुछ ना कुछ नीच चीज बोल देता है तो ये कहीं ना कहीं दिखाया बट प्रॉपरली नहीं बाहर आया जो मैं यू uh, नो you know, चाहता था

Obviously, they had अ longer जर्नी ऑन द शो बिकॉज मैं निकल गया एंड वो तभी भी वो कर रहे हैं टास्क जो भी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक यू you नो know, सामने से तुम्हारा आना बनता है कि यू you नो know, मुझे मुझे नहीं पता कि तुम तुम्हारी जर्नी कितनी लंबी है कैसी है मेरी जर्नी तुमसे तो शॉर्ट थी तो मैं बाहर हूँ बट तुम जब बाहर आओ तो अगर तुमको दोस्ती रखनी है तो तुम सामने से रीच आउट करोगे तो uh, उन्होंने वो नहीं किया एंड आई एम प्रिटी कूल विद आई डोंट थिंक आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट बिकॉज अब मैं हर शो पे जाऊंगा या हर कहीं जाऊंगा वहाँ के दोस्त हर जगह तो नहीं उतना मैं बना पाऊंगा ना बॉन्ड टेम्पररी बॉन्ड्स होते हैं एंड इट्स टोटली फाइन मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स uh, कोई इन्फ्लुएंसर्स नहीं है बट वो मेरे स्कूल के दोस्त हैं तो इट्स फाइन मतलब मैं बुरा नहीं मानता अगर किसी से दोस्ती कहीं रहे और फिर बाद में ना रहे build, break, मैं तो uh, मैंने शो पे भी यही बोला था की जब uh, मैं और खनक बैठे और साइड में अरबाज नायरा बैठे है Uh, अरबाज की नाक टूटी थी वो भाई इतने uh, टाइम तो मतलब रिकवर करके वापस आए और आते ही अगर तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा कोई कनेक्शन है तो वो ऑब्वियसली फेक है वो मतलब वो कितना मतलब उसको उसको भी पता है 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 कि फेक बट ऐसा दिखाया जाता एंड फिर उनको आइडियल मैच में भेजा जाता है और फिर वो नहीं बनते हैं तो वो कितना ऑब्वियस था मतलब कितना मुझे लगा कि क्यों कर रहे हैं ये सब तो वो मुझे पता था कि ये तो नहीं है रियल लास्टली इज योर बॉन्ड सनी एंड त

बट आई एम वेरी क्लोज टू तनुज भाई बिकॉज़ आई फील लाइक कि वी हैव वेरी सिमिलर इंटरेस्ट वो भी ऐसे हैं कि उनको भी यहाँ यहाँ सब जगह स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है मार्बल फैन मूवीज़ ये वो तो मेरे हिसाब से मुझे वो सब बहुत पसंद है एंड मैं उस चीज़ पर रिलेट करता हूँ एंड द बिगेस्ट पार्ट जो मैं हमेशा बोलता हूँ इज़ दैट जब मैं शो पर था तनुज भाई केम टू मीज लाइक यू नो माई वाइफ एंड आई वी वॉच योर वीडियोज़ एंड आई वॉज लाइक कि चलो शो पर आने से पहली शो में कोई होस्ट है वो मुझे जानते हैं ऑलरेडी एंड आई थिंक दैट वो दैट इज अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी कि वो मेरी वीडियो साथ बैठ के फैमिली के साथ देखते हैं एंड एंजॉय करते हैं तो इट्स ऑल फन और फिर जब जब उर्वशी वॉज ऑन द शो तो बिकॉज न्यू ही हैड सीन तन वीडियो ही इज लाइक अरे उर्वशी देखो आपका बिग फैन है उसने जान बुझ के उंगली उ तो आई थिंक बोथ ऑफ देम आर वेरी फनी वेरी चिल बहुत अच्छा बॉन्ड है

एंड आई वॉज राइट ओनली की हम नहीं, नहीं ही जीते तो है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, it's just a show and, uh, नहीं है इट्स जस्टोड इतना मैटर नहीं करता यार मैं इतनी वीडियोज बनाता हूँ <laughs> एक शो में आके मुझे हरा दिया तो क्या हो गया तो थैंक यूर दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स